यूक्रेन के हालात की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अब से थोड़ी देर पहले यह बताया गया और देखा हमने किस तरह से हमारे संवाददाता राजेश पवार जब कीव से इसी कार्यक्रम में लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे तो यूक्रेनी सेना के जवानों ने उन पर बंदूक तान दी और ये एक दो जवान नहीं थे, कई जवानों ने उन पर बंदूक तांगी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान। इसके बाद पूछताछ और पूरी तसल्ली करने के बाद जब उन्हें दिखाई पड़ा कि वहां से वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब जाकर वहां पर उन्हें छोड़ा। ये पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ और कितनी बहादुरी का सामना करना पड़ता है ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने के लिए, आप तक ये तमाम रिपोर्ट्स पहुंचाने के लिए, ये हम आपको दिखाते हैं क्योंकि ये देखना समझना आपके लिए जरूरी है कि ग्राउंड जीरो से बिना शोर शराबे के सच्ची रिपोर्ट करना इतना भी आसान नहीं है। उस धधकते हुए यूक्रेन में जहां पर चारों तरफ बंदूकें हैं, टैंक चल रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, नरसंहार हो रहा है। दो माताम बट इज माई फोन जस्ट मिनट आई एम लाइव राइट नो गिव मी 5 मिनट्स प्लीज वाई होम नो जस्ट and yeah. at the net filming at the live you understand I need your passport I have my passport and accreditation toja adin mein pajab uska ya live se chacha okay 5 minutes at the net filming at the net recording fast slowly okay acha listen this is india today tv live net filming net recording okay at the tolka mini face they are worried that I'm recording or filming, I'm explaining and they understand this thing and I have accreditation from the Ministry of Defense okay panimash and yeah journalist okay at the CGS live tv indus yeah okay yeah I'll show it to you for 5 minutes pyarosta